आपको इंटरनेट पे ये वीडियो फ्री में मिल रही है, बट इसकी वैल्यू आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे कि ये पेड वीडियो है। तो इस वीडियो के एंड में हम एक ऐसा शॉर्टकट दे देंगे कि आप उस शॉर्टकट को अप्लाई करो और आपके चार्ट पे ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू गैप प्लॉट हो जाएंगे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती। आप ये बोलोगे कि यार ये हमेशा चलेगा, नहीं। वेल, इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने फेमस कर दिया है एक कंसेप्ट को जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है? कई सारे लोगों ने नाम तो सुन लिया, कई सारे लोगों ने बोलते हुए सुन लिया कि भाई 1:20 का टारगेट मिल जाता है, यहां पर तो बहुत पैसा बन सकता है। तो क्या सच में पैसा बन सकता है? ये कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब अप्लाई कर सकते हो और कब अप्लाई आपको नहीं करना चाहिए, आपको ये सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक ये जो वीडियो है ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो गलत नहीं होगा। आपको इंटरनेट पे ये वीडियो फ्री में मिल रही है, बट इसकी वैल्यू आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे कि ये पेड वीडियो है। टाइम दीजिए, नोट्स बनाइए और इस वीडियो से जो भी आप सीखेंगे उसे आप रियल मार्केट में कुछ टाइम के लिए, चाहे डेमो ट्रेडिंग ही सही, पेपर ट्रेडिंग ही सही, आप अप्लाई करके देखिए कि क्या इससे रिजल्ट्स आते हैं, एंड देन गिव योर फीडबैक ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम क्या करते हैं, देखिए हमारे चैनल पे ज्यादातर लोग तो बिगनर्स हैं, करेक्ट। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप शुरू कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और हम बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बेसिक्स क्या है उसके और कहाँ से निकल के आया है वो कॉन्सेप्ट शुरू, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के क्या क्या टर्म्स होते हैं तो वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज नोट करते रहना, एक एक चीज को यहाँ पे साथ साथ नोट करते हुए चलोगे तो आपको आगे एग्जाम्पल्स में दिक्कत नहीं आएगी जो हम दिखाने वाले हैं। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता लगने वाली है। सो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट निकल के आया है डाओ थ्योरी से। सो जैसा कि आपको पता है डाओ हुआ करते थे, जिनको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी हमें कि जब भी प्राइस एक ट्रेंड में मूव करते हैं तो वो एक पैटर्न बनाते हैं हमेशा, चाहे वो अप ट्रेंड में मूव कर रहे हो या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहे हो। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉपर अप ट्रेंड की बात करेंगे। ये आपके लिए वन स्टॉप वीडियो होने वाली है जहां पे आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें कहां पे ट्रेड लेना चाहिए और कैसे कैसे मार्क करना है। तो सबसे पहले डाओ थ्योरी में अप ट्रेंड का मतलब क्या है? अप ट्रेंड का मतलब है लेट से प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो डाओ का यह कहना था कि प्राइस कभी भी ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस हमेशा करेक्ट होते हुए ऊपर जाएगा, वो हमेशा एक पैटर्न में ऊपर जाएगा। तो इस पैटर्न को बेसिकली कहा जाता है हायर हाइज हायर लोज। So, सबसे पहले प्राइस ने एक लो बनाया, उसके बाद इसने एक हाई लगाया, देन वो प्राइस रिट्रेस होता है तो यहां पे लगाता है एक हायर लो। इसके बाद जब प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करेगा तो इसके बाद ये नया हाई लगाएगा जिसको कहते हैं हम लोग हायर हाइस। अब प्राइस क्या करेगा? प्राइस यहां से फिर से रिट्रेस होगा नीचे की तरफ, बट किसी भी कीमत पे जो इसने पिछला हायर लो लगाया था इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये इसके ऊपर लो बनाएगा जैसा कि इसने यहां पे बनाया। सो इसको हम लोग कह देंगे अगेन एक हायर लो। फिर इसके बाद जाके ये अगेन हायर हाई ब्रेक करेगा और एक नया हाई लगाएगा जिसको हम अगेन बोलेंगे हायर हाई। तो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसको हायर हाइज हायर लोज बोलते हुए चल रहे हैं, बट जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसकी एक डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ तो इसको हम कहते हैं BOS, इसको कहा जाता है BOS जिसका फुल फॉर्म है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक BOS फॉर्म किया, फिर अगेन इसने यहाँ पे एक BOS फॉर्म किया। अब BOS फॉर्म होने से हमें एक कंफर्मेशन आ रहा है कि प्राइस लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है और अभी तक इसने अपना कैरेक्टर चेंज नहीं किया है। अब कैरेक्टर चेंज करने से मेरा एग्जैक्ट मतलब क्या है कि प्राइस अभी किस ट्रेंड में चल रहा है? अप ट्रेंड में है प्राइस। सो गाइस, प्राइस जब तक डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा ना तब तक उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। तो इसको बेसिकली हम कैरेक्टर बोलते हैं, जो मैं अभी आपको आगे चल के समझाऊंगा कि कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब देखिए गाइस, यहां पे क्या लगा था हमारा हायर लो, इसके बाद प्राइस ने एक नया हायर हाई लगाया। तो अब जब प्राइस इस लो के नीचे आ जाएगा और यहां पे आपकी कैंडल क्लोज कर जाएगी, इसे कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर।
बेसिकली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है CHOCH, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ये अप ट्रेंड था, अब इसने यहाँ पे अपनी अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, अब वो दूसरे ट्रेंड में जाने को तैयार है। सो चलिए अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बेसिकली उसमें स्ट्रैटेजीज क्या है और किस तरह से हम इसको अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइज देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है, आपको ना ट्रेंड मार्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या यूज करेंगे, हम यूज करने वाले हैं हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स। सो हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स यूज करने का बेसिकली मोटिव क्या है, वहां पे ना जो नॉइस होती है वो खत्म हो जाती है। ये हम यहाँ पे कंटिन्यूशन में दिखाएं एक बार। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने अभी हाइकेनाशी का चार्ट लगा लिया। अब मैंने लगाया कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ना पहले डिफॉल्ट नॉर्मल कैंडलस्टिक्स लगे होते हैं, बट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद हाइकेनाशी पे क्लिक करना है, तो आपकी कैंडल्स कुछ इस तरह से लग जाएंगी। सो यहाँ पे अब हमने हाइकेनाशी कैंडल्स लगा लिए हैं, तो चलिए अभी हम यहाँ पे सीखते हैं कि हम ट्रेंड को मार्क कैसे करें। क्वेश्चन ये आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेंड को मार्क करना। तो गाइज यहाँ पे आपको दो तरह की कैंडल्स दिख रही होंगी, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। बस सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट क्या रखना है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रेंड को, एक अप ट्रेंड की वेव को। वहीं यहाँ पे जो रेड कैंडल्स है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है रिट्रेसमेंट को। सो जहां पे मैंने दिखाया था ना हायर लोज बनते हैं, तो हायर लोज किसके ऊपर बनेंगे आपके, वो बनेंगे रेड कैंडल के लो के ऊपर, और जितने भी आपके हायर हाइज बनेंगे वो बनेंगे आपके ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग ट्रेंड मार्क कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे अभी हम ट्रेंड मार्क करना सीखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे लिए एक रेलिवेंट लो है, यहाँ पे ये हमारा एक लो पॉइंट है। अब हम यहां से देखेंगे जितनी भी ग्रीन कैंडल्स आ रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल का एक हाई लगा, तो इसको हमने क्या कह दिया, हाई पॉइंट। अब इसके बाद देख सकते हैं आप यहां पे हमें एक रेड कैंडल मिली। अब इस रेड कैंडल के बाद क्या कोई सब्सिक्वेंट रेड कैंडल है, नहीं है, तो इसी रेड कैंडल का जो लो है हम इसको क्या कह देंगे, हायर लो। अब ये जो हमें हाई मिला था ना, अब आप देखो मैंने आपको बताया था किससे ब्रेक होना चाहिए, बाय द ग्रीन कैंडल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जब यह हाई ब्रेक हुआ, किस वाली कैंडल से ब्रेक हुआ, इस वाली कैंडल से। अब इसके बाद जो भी रेड कैंडल आएगी वहां पे हमारा बनेगा हायर लो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और इसने यहां पे हाई लगाया और ये क्या बना हमारा, हायर हाई। ये हमारा पहला हायर लो था, इसके बाद हमारा सेकंड हायर लो यहां पे आया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हमारा ट्रेंड अब कंटिन्यूसली बनना चालू हो गया है हायर हाइज और हायर लोज का। सो इसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, जब इसने ये वाला हाई तोड़ा, इसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ गया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट हाई था, इसके बाद यहाँ पे हमारा एक नया हायर हाई लगा। सो इस तरह से यहाँ पे हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा लास्ट हायर लो था, अब इसके नीचे प्राइस आया, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उससे पहले हमने सारे यहाँ पे देखे थे जितने भी हो रहे थे हमारे, उनको हम क्या कहते हैं, BOS, दैट इज ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे पहली बार इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो जो हमारी स्ट्रैटेजी डिफाइंड है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, वो डिफाइंड है चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर ही। तो चलिए जल्दी से अभी हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं। पहले मैं आपको एक बार थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखने वाले हम इसके। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये बेसिक ट्रेंड तो समझ ही गए हैं कैसा होता है, तो चलिए अभी इसकी चल के स्ट्रैटेजी सीखते हैं। नई स्लाइड दे देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न दिखना चाहिए। सो लेट से हमें यहाँ पे दिखा एक हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न। अब ये हमारा लास्ट हायर लो था, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक लाइन डाल दी। अब प्राइस ने क्या किया, एक हायर हाई तो लगाया, अब इसके बाद प्राइस ने क्या किया, इस हायर लो को तोड़ दिया। यहां पे क्या किया, आपको दिखाया कि कैरेक्टर चेंज हो चुका है, बट इसके बाद यहां पे इसने लोगों को ट्रैप किया और एक नया हाई लगा दिया यहां पे इसने। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हम में से ज्यादातर लोग शॉर्ट करने चले जाते बिकॉज हमें ब्रेकडाउन दिखता, बट यहां पे क्या किया, यहां पे इसने एक नया हाई लगा दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना जहां से इसने रिवर्स किया, जो इसने वी शेप बनाया, यहां पे हम लास्ट रेड कैंडल को, किसको, लास्ट रेड कैंडल को मार्क करेंगे एज अपना डिमांड जोन। किस तरह से मार्क करेंगे, एज अपना डिमांड जोन। सो ये हमारा डिमांड जोन कहलाएगा। जब भी अब प्राइस इसके ऊपर आएगा ना, हम यहां पे बाय करने को देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और जो हमारा टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा जहां से ये फॉल किया ना इसने, वही पॉइंट को हम यहां पे टारगेट करने वाले हैं। यहां पर ये ना बेसिक ऑफ SMC है, मतलब बेसिक्स है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। इसके कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं,
वो आप बने रहेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो एसएमसी जो है बेसिकली वो एक्सटेंशन ऑफ डाउ थ्योरी है। अब एक्सटेंशन ऑफ डाउ थ्योरी के अंदर भी कहेगी ना, एसएमसी के अंदर ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं नो डाउट, बट आप देखोगे कि यार 10 में से ना 4 ट्रेड्स अच्छे जा रहे हैं, 6 में एसएल हो रहा है। इवन आपने अगर और लोगों के भी एसएमसी के वीडियो देखे होंगे तो हर बार प्रॉफिट नहीं आएगा, हर बार तो किसी भी कंसेप्ट में नहीं आता, बट इसके कुछ मॉडिफिकेशन है वो जहां पर आपके 10 में से 4 ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं वहां पे 6 या 7 भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट भी समझिए और थोड़ा सा वेट कीजिएगा सो दैट हम आपको एंड तक एक्सटेंशन भी दे पाए। कंटिन्यू करो। करेक्ट। सो यहां पे हम लोग इस पॉइंट के ऊपर बाय करने को देखेंगे। अब गाइज होता क्या है, यहां पे ना लास्ट ट्रेड कैंडल पे ना कभी कभार प्राइस नहीं आता, ये ना इसी जगह से रिवर्स कर जाता है। तो अब हम इसको भी पकड़ना सीखेंगे कि हम यहां पे इसको कैसे पकड़ पाए। हम यहां पे यूज करेंगे फिबोनाची टूल का। सो हम यहां पे फिबोनाची टूल का यूज करेंगे, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। सो यहां पे आपको लेवल दिखेगा 0.786। सो प्राइस अगर 0.786 पे आएगा ना, हम उसको वहां पे भी डिमांड जोन मान सकते हैं और हम 0.786 पे भी बाय करने के लिए जा सकते हैं। सो यहां पे हम बाय करने जाएंगे, तो अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम स्टॉप लॉस का लगाएंगे, मैंने क्या बताया जैसा कि लास्ट ट्रेड कैंडल। सो यहां से आप 0.1% का बफर लेके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो हमने लास्ट ट्रेड कैंडल देखी उससे 0.1% नीचे का बफर ले लो, वहां पे आपका स्टॉप लॉस है। इसका मतलब क्या है कि आपका एसएल बहुत ज्यादा छोटा होगा। अगर मतलब आप अगर देखें यहाँ पे आपकी जो रेड कैंडल है इसकी कोई विक हो सकती है, तो अगर आप विक देख रहे हैं उससे बस थोड़ा सा नीचे, दैट्स इट। सो ये आपका एसएल होगा, क्योंकि वहां पर आपका होता क्या है कि जबकि प्राइस यहाँ पे नीचे आता है ना, इट इज लाइक टच एंड गो, तो वो टच करता है और ऐसी ही कैंडल ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर जैसी वो ऊपर जाती है वो टच एंड गो वाली सिचुएशन जो होगी ना वो क्यों होगी, वो भी कॉन्सेप्ट एसएमसी के अंडर ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि जब आप इसे लाइव देखोगे, इनफैक्ट चार्ट पे देखोगे, तो आपको समझ आएगा ये टच एंड गो जो है दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ट्रेड मिलेगी और कई लोगों से को मिलेगी भी नहीं, और वो जैसे इन्होंने बोला कि पहले ही ऊपर से रिवर्स हो जाएगी, बट रिवर्स जो होती है ना दैट इज वेरी फास्ट। तो एसएल्स बहुत छोटे होते हैं और समटाइम्स टारगेट्स आर वेरी हाई, वेरी हाई इन द सेंस 1:2, 2, 3 की हम बात नहीं कर रहे, 1:5, 1:10 के भी आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। तो एसएल बहुत ज्यादा छोटे हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पे आई थिंक आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए इसी चीज को अभी हम चार्ट पे चलेंगे और वहां पे मार्क करके देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी हम अभी एसएमसी के बिल्कुल फर्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट पे, अभी बहुत कुछ बाकी है, चार्ट पर देखते हैं। चलिए ओके गाइस, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाइकेनाशी का चार्ट लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको पहले ट्रेंड मार्क करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे इसने आपको फेकआउट दिया था, उसके बाद इसने नया हाई लगाया। So, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, मैं यहां पे सिर्फ अभी हायर लोज मार्क करता हुआ चलूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस केस के अंदर मैं सिर्फ यहां पे रेड कैंडल्स के लोज मार्क कर रहा हूं और उसके बीच में जो है वो आपके हाईज है, वो आपके हायर हाईज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हमारा हायर लो था। सो यहां पे मैंने आपके लिए अभी सारे के सारे हायर लोज मार्क कर दिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लास्ट हायर लो था, इससे पहले यहां पे लास्ट हाई लगा, ये हमारा हायर हाई लगा, इसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहां पे नीचे आया और इसने पहली बार हायर लो को ब्रेक कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। सो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं प्रीवियस हाई के ऊपर एक लाइन डाल दूंगा। सो मैंने यहां पे इसको एक्सटेंड किया, अब मैं यहां पे वेट करूंगा कि प्राइस इस पॉइंट को जाके ब्रेक कर जाए। सो जैसे ही इस पॉइंट को प्राइस ब्रेक करेगा ना, इन दोनों के बीच में जो यहां पे सबसे बॉटम पे लास्ट रेड कैंडल है वो मेरे लिए डिमांड जोन की तरह काम करेगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए यहां पे थोड़ा सा हटा देता हूं, ये वाली जो रेड कैंडल है बिल्कुल बॉटम पे लास्ट रेड कैंडल है। सो ये आपके लिए एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगी। अब मैं यहां पे इसको एज अपना डिमांड जोन मार्क कर लूंगा, मैंने इस पूरी कैंडल को यहां पे मार्क कर दिया एज डिमांड जोन। सो यहां पे प्राइस ने एक नया हाई लगाया जी, यहां पे एक फेक आउट दिया, इसके बाद एक नया हाई लगा दिया प्राइस ने। अब जब प्राइस वापस इस डिमांड जोन के ऊपर आएगा मैं यहां पे इसको बाय करने के लिए देखूंगा। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, यहां पे जो इसने हाई लगाया था ना मैं उसी को टारगेट करने वाला हूं वहां पे जी। और मेरा एसएल क्या रहने वाला है, ये जो लास्ट रेड कैंडल है ना इससे नीचे बस मैं थोड़ा सा बफर रख लूंगा, 0.1% का मैंने बफर रख लिया यहां पे, वो मेरा एसएल रहेगा और मेरा टारगेट यहां पे जो इसने बीच में हाई लगाया था वही मेरा टारगेट है। बट इसमें बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर देखे, 1 आवर पे हो सकता है कोई इसे 5 मिनट पे देखे, कोई सकता है 1 डे पे देखे, कॉन्सेप्ट सेम है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो हाई है ये टारगेट अचीव कब होगा, आप इंट्राडे कर रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम है वो सेम डे भी हो सकता है,
बट अगर आप बड़े 1 आवर में भी देख रहे हो तो जरूरी नहीं कि सेम डे होगा, जरूरी नहीं है कि आप वन डे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो एक दिन में होगा, क्योंकि तो गिरते गिरते उसे 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए। तो यहां पर बस एक छोटा सा ट्रिक है, जितने टाइम के अंदर ये ऊपर से नीचे आया है उसके हाफ टाइम के अंदर वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें लोगों को मेजर करके दिखा देते हैं, एक तो जो यहाँ से आप कैंडल्स एक बार काउंट कर लो, मुझे तो बराबर सी दिख रही है, बट लोगों को बताना जरूरी है कि ये आप मेजर कर सकते हो। आप और एग्जांपल्स में देखोगे कि रिकवरी इज लिटिल फास्टर, मतलब यही है कि रिकवरी जो होगी वो लिटिल फास्टर होगी, वो हाफ से लेके मतलब जितनी टाइम लगा है, एग्जाम्पल 2 घंटे में प्राइस नीचे आया तो 1 घंटे में वापस ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली ऐसा मतलब है। और वो 1 घंटा जो है ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, अगर 2 घंटे में आया तो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक वो वापस जा सकता है, या फिर अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख लो 15 मिनट में प्राइस नीचे आया तो अगले हो सकता है 7 मिनट से लेकर 15 मिनट के अंदर वापस ऊपर चला जाए, डेफिनेटली। और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत छोटा है, तो वो दोनों मेजर हम आपको भी करके दिखा देते हैं, बार्स काउंट कर लो। सो यहाँ पे मैं आपको एक बार मेजर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया और इस जोन के ऊपर ये डिमांड जोन के ऊपर आया। सो यहाँ पे इसने जैसा कि आप देख सकते हैं 20 बार्स लिए हैं इसने यहाँ पे आने में। अब यहाँ पे ना इसको जब टारगेट तक जाना है तो एटलीस्ट यहाँ पे 10 से लेके 20 बार तक वो ले सकता है यहाँ पे, जो कि आपके कहने का मतलब है यहाँ पे। सो मैं इसी पॉइंट से अगर यहाँ से इसको मेजर करूँ और इसको मैं ऊपर तक लूँ टारगेट देने तक, तो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 बार्स लिए हैं यहाँ पे। सो इस तरह से ना आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, ऑप्शन में आपको कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी है आप उस वे से यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये इसने बार्स लिए हैं तो हम कैसे काउंट करें, यहाँ पर 1 बार 1 घंटे की बार है तो टाइम ऑलमोस्ट बराबर लगा। और आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड भी दिखा दोगे लोगों को तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए सो अभी दिखा देते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड हमें कितना मिलने वाला है इस ट्रेड के अंदर। सो यहाँ से मैं लॉन्ग का टूल ले लेता हूँ और हमारा एग्जीक्यूट हुआ है ट्रेड इस पॉइंट के ऊपर, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे को थोड़ा सा यहाँ से नीचे बफर चाहिए, छोड़ दो आप। चलिए और यहाँ पे मेरे को ऊपर को टारगेट करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है, 1:3.8 तो मतलब आपको 1:3 से ऊपर का आपको ट्रेड यहाँ पे मिला है। दिस इज अ वन कंसेप्ट ऑफ SMC, सो वी आर नॉट येट ओवर, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट। सो यहाँ पे अब आपका ट्रेड और कैसे एनहांस हो सकता है सो उसके बारे में अभी हम जानेंगे यहाँ पे, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं आपको पहले फेयर वैल्यू गैप बता देता हूँ होते क्या है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या फेयर वैल्यू गैप था या नहीं था। देखिए SMC को समझाने के ना हर किसी का तरीका अलग हो सकता है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो अलग अलग तरीके से SMC को सिखाते हैं, बट इसके अंदर एक चीज यूनिवर्सल है जो कि अब आने वाली है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज फेयर वैल्यू गैप। मैंने बोला समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हो सकता है आपको हमारा तरीका बहुत आसानी से समझ आ जाए, तो अब जो समझाने वाले हैं मैंने बोला कि वो यूनिवर्सल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। ओके तो चलिए गाइज यहाँ पे अभी हम फेयर वैल्यू गैप को समझ रहे हैं। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सो लेट से यहाँ पे 3 कैंडल्स है हमारे पास, एक यहाँ पे हमारे पास कैंडल थी, इसके बीच में एक और कैंडल बनी और यहाँ पे इसके ऊपर एक और कैंडल बनी। सो हमें ये समझ आ गया फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स के बीच में होगा। अब आपको क्या करना है, ये कैंडल 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कलर से हमें फर्क नहीं पड़ता, जो कैंडल 1 का हाई है ना इसके ऊपर मैंने एक लाइन डाल दी। कैंडल से हमें फर्क नहीं पड़ता नंबर 2 की, नंबर 1 और नंबर 3 अगर बुलिश है तो ग्रीन होगी है ना, तो इसे ग्रीन बना लो। चलो इसे हम ग्रीन कलर कर देते हैं सो दैट लोगों को याद रहेगा है ना, ये हमारी ग्रीन कैंडल है और ये हमारी ग्रीन कैंडल है। करेक्ट। और मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल से ही है, बीच वाली कैंडल से फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट जी। सो बीच वाली कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली कैंडल के हाई को मार्क किया और अब मैंने यहाँ पे थर्ड वाली कैंडल के लो को मार्क किया। अभी आपको गैप दिख रहा है बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसको FVG कहा जाता है। सो ये फॉर्म के होते हैं, देखो आप जैसे और भी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और आप सब बल्क में ऑर्डर लगाते हो, बात सिर्फ लोगों की नहीं है, बात है इंस्टीट्यूशन समझाना पड़ेगा। स्मार्ट मनी का मतलब है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही कहां से आया ये थोड़ा सा बताते हैं। स्मार्ट मनी कौन होता है, स्मार्ट मनी आप और मैं नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे बता दें, स्मार्ट मनी है बड़े लोग, बड़ा पैसा है। अब बड़े पैसे का यहाँ पे ये वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इसे समझाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले लिया। तो फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, प्राइस ने यहां से चलना शुरू किया, इसने यहां से चलना शुरू किया ऊपर की तरफ। अब जब ये ऊपर की तरफ चल रहा था तो एक कैंडल बनती है, यहां पर एक और कैंडल बनती है, ये कैंडल एक और बनती है। अब जब ये कैंडल बनती है तो इसके बाद एकदम से प्राइस शूट अप कर जाता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अब सोचिए स्मार्ट मनी ने सोचा कि मैं यहां पे शेयर्स खरीदूंगा, मान लीजिए वो कहता है रिलायंस के HDFC के मैं शेयर्स खरीदूंगा, और उन्हें खरीदना 10,000 करोड़ का माल। बट जब
यहां पर वो हमेशा क्या करेंगे कि भाई एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे कि यहां पर उनके ऑर्डर लगे हुए हैं। अब उन्होंने ऑर्डर लगा दिया कि भैया मुझे इस प्राइस पर खरीदना है, बट अब प्राइस पर खरीदना है इसका मतलब क्या है, एक मार्केट में बायर होता है, एक मार्केट में सेलर होता है। तो मुझे खरीदना तो है, मुझे एक शेयर 1000 के भाव पे खरीदना है, बट अब सेलर कह रहा है भैया मैं तो 1005 के भाव पे बेचूंगा। अब प्राइस और ऊपर गया तो कहते हैं मैं 1010 के भाव पे बेचूंगा, प्राइस और ऊपर गया वो कहते हैं 1020 के भाव पे बेचूंगा, बट उसके कुछ ऑर्डर्स जो 1000 रुपए के भाव पर थे वो छूट गए, पेंडिंग रह गए। अब क्योंकि वो एक ऑर्डर नहीं है, वो इतने बड़ी क्वांटिटी के ऑर्डर है कि अगर प्राइस दोबारा यहां से यहां पर गिरा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और क्योंकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो प्राइस आएगा यहां पे एक विक बनाएगा और बूम ऊपर। वो बूम ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तो 1000 रुपए, 1001 रुपए, 1002 रुपए, 1003 रुपए, 1004 रुपए, वो फास्ट बाइंग आ गई, और क्योंकि बाइंग आ गई तो वहां पर एक मोमेंटम ट्रिगर हो जाता है, वो मोमेंटम से कई सारे लोगों के एसएल हिट होने लग जाते हैं, और क्योंकि वहां पर मल्टीपल एसएल हिट होते हैं प्राइस अब डबल स्पीड से 2x स्पीड से ऊपर भागता है। एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ एसएमसी, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझना है तो बेसिकली वो यही है। जो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट है वो अभी भी सिस्टम में पड़े हुए हैं, वो आप जो GTT सुनते हो ना, गुड टिल ट्रिगर, तो वो आप तो अब सुन रहे हो, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही कर रहे हैं कि भैया इस भाव पे आएगा तो अपन खरीद लेंगे, लगा के छोड़ दे, तो लगा के छोड़ दिया। गुजराती मारवाड़ी लोगों ने लगा के छोड़ दिए, इंस्टीट्यूशन लगा के छोड़ दिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगा के छोड़ दिए। तो जब आप देखोगे कि यहां पर प्राइस आया, वहां पर एकदम से बाउंस आएगा, और ये है आपका MVG। कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो जैसा कि आपको सर ने अभी बताया कि यहाँ पे क्यों चलता है फेयर वैल्यू गैप, बिकॉज वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अब यहां पे क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप पे ना आपको कभी कभी ट्रैप किया जाता है। फेयर वैल्यू गैप तो हमें भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, इंस्टीट्यूशंस को भी दिख रहा है। तो क्या होगा, प्राइस यहां पे आएगा, फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, ऊपर जा रहा होगा, बट प्राइस एकदम से यहां पे नीचे आ जाएगा। सो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली इसी तरह से इंस्टीट्यूशन पैसा कमाएगा, वो आपको ट्रैप करेगा। सो कभी भी अगर आप डिमांड जोन फाइंड कर रहे हो ना, तो डिमांड जोन हमेशा फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही फाइंड करो, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप छोटा सा हो, बट हो जरूर, वो आपके यहाँ पे ट्रेड को एनहांस कर देगा और उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा। देखो फेयर वैल्यू गैप्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट मेक श्योर कि डिमांड जोन फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही मिले आपको, ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हो। देखो कभी कभी क्या होता है कि फेयर वैल्यू गैप से ऊपर से भी प्राइस भाग जाता है, फेयर वैल्यू गैप से भी प्राइस भागता है, और जैसे इन्होंने बोला कि आपको, देखो होता क्या है, मार्केट ना बड़ी डायनामिक है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती। आप ये बोलोगे कि यार ये हमेशा चलेगा, नहीं, एक पीरियड आएगा एक साल के लिए दबा के पैसे देगा, और फिर एक साल या 6 महीने ऐसे आएंगे लोगों को बर्बाद कर देगा। वो मतलब क्या कि उनके ऐसे हिट होते रहेंगे और वो कहेंगे यार ये चल ही रहा। तो मार्केट ना तुम्हें समझ लेती है, अगर आपको कोई चीज पता लग रही है तो आप समझ लो यू आर लेट। करेक्ट, वो आप बहुत लेट हो गए। मतलब आज आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, वीडियो बना रहे हैं, बट ऐसे नहीं है आज से चल रहा है, ये तो बहुत टाइम से चल रहा है। बट पॉइंट यहां पर ये है कि हाउ वी कैन बी मोर डायनेमिक। मार्केट अगर एडेप्टिव है, मार्केट डायनेमिक है, तो हमें भी डायनेमिक होना पड़ेगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि भाई फेयर वैल्यू गैप पे भी लोगों को ट्रैप करना शुरू कर दिया मार्केट ने, जो कि आपको रियलिटी बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपने समझा और ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं है। वी वॉन्ट कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे काम करता और कब काम नहीं करता। तो मार्केट अगर आपको ट्रैप करती है, तो ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा यार हमने तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, जैसे सुना था किसी और से, आपने एसएमसी सुना होगा यार मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बताया था जैसे उस चाइनीज बंदे ने बताया था या जापानीज बंदे ने बताया था, जिसने भी बताया, इंटरनेट पर बहुत से लोग हैं, बट फिर भी नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि मार्केट इज डायनेमिक, और मार्केट डायनेमिक है, और इंडियन मार्केट में खासकर भी पैसा बनाना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मार्केट अडेप्टिव हो रही है। अब यहां पर क्या है कि डिमांड जोन और नीचे हो सकता है, तो आप यहां पर दो चीजें कर सकते हो। मान लेते हैं आपको दो लॉट्स में ट्रेड करना है, तो एक लॉट आपने यहाँ पे ट्रेड मारा और दूसरा लॉट के आपने तब भी संभाल के रखा कि भाई मैं डिमांड जोन पे दोबारा पकड़ सकता हूँ, क्योंकि भागेगा तो दोबारा भागेगा बड़ी स्पीड में, क्योंकि रिवॉर्ड उतना ही है अभी भी जो आपका टारगेट था, टारगेट तो वही है, बट उसने आपका क्या किया, आपने थोड़ा सा नीचे अगर आपने SL रखा हुआ है तो SL हिट करा दिया, बट वो जहां से दोबारा से चलना शुरू हो सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, यार किसी ने बताया था कि फेयर वैल्यू गैप के नीचे डिमांड जोन हो सकता है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्होंने आपको एक बात बताई कि इंस्टीट्यूशंस आपको ट्रैप करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है कि खरीदना है और सस्ता। 1000 क्यों, मैं तो 995 पे खरीदूंगा, तो बाइंग लो स्ट्रैटेजी दे ऑल्सो फॉलो,
और वहां पर वो सेलिंग प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए भी। तो स्मार्ट मनी कैन प्ले विद योर मनी, है ना। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है मार्केट में, पॉसिबिलिटी समझ लो। हो सकता है आपको यहीं से आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाए, आपको मजा आ गया, बट अगर आपको तीन चार ट्रेड ऐसे मिले यार यार ये तो टूट जाता है और यहां से होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट इसलिए पहले ही बताया जा रहा है। कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, अब हम इसे वापस चार्ट पे चल के देखते हैं जहां पे हमने लीव किया था। सो अभी हम चार्ट पे चले और आपको चीजें बताएं। एक चीज मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, अभी जो आप समझ रहे हो ना SMC कॉन्सेप्ट को, आपको इस वीडियो के एंड में हम एक ऐसा शॉर्टकट दे देंगे कि आप उस शॉर्टकट को अप्लाई करो और आपके चार्ट पे ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू गैप प्लॉट हो जाएंगे। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपके लिए काम आसान होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन कैंडल्स हैं, यहाँ पे मेरे को एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ये है कैंडल नंबर वन जिसके ऊपर मेरा माउस है, इसके बाद कैंडल नंबर टू, इसके बाद कैंडल नंबर थ्री। सो अब मैं क्या करूंगा, कैंडल नंबर वन का हाई मार्क किया और कैंडल नंबर थ्री का मैंने लो मार्क कर लिया। सो ये जो आप गैप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसी गैप को हम बेसिकली फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और हमारा डिमांड जोन कहाँ पे है, इससे नीचे है। सो यहां पे इसके चलने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई बिकॉज डिमांड जोन के ऊपर हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख गया। अब इसकी वजह से हम कंफर्म हो सकते हैं कि यहां पे हो सकता है कुछ लोगों को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ लोग यहां पे SL देके निकल भी गए होंगे, ठीक है, बट यही आपके लिए ट्रैप डाला जाता है। यहीं पे आपको वेट करना पड़ता है और थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है, जिसके बाद प्राइस एकदम से शूट करेगा आपका। जैसा कि सर ने आपको बताया था, हाफ से लेके पूरे टाइम के बीच में इतना आपके पास टाइम होता है कि प्राइस वापस शूट कर सकता है। सो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हुआ था, फेयर वैल्यू गैप के नीचे प्राइस आया और वो एकदम से शूट किया। सो इसमें एक और चीज है, अगर आपको कई लोग क्या कहते हैं जी मुझे बिल्कुल बॉटम पकड़ना है, अगर आप उस चीज को दिमाग से निकाल दो एक मिनट के लिए और आप कहो जी कोई बात नहीं मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लूंगा, तो भी तो आपको समझ आ रहा है कि चलो आपको एक फास्ट मोमेंटम थोड़ा मिस हो सकता है, बट एक क्लियर कट टारगेट हमें पता है कि मार्केट अब कहां तक जा सकती है। उसने फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया है और उसके नीचे डिमांड जोन से आके ऊपर जा रही है, तो आप उसके ऊपर भी एंट्री ले सकते हो। इट इज नॉट द थिंग कि भाई मुझे एग्जैक्ट बॉटम ही पकड़ना है, अगर बॉटम पकड़ना है तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। डेफिनेटली, बहुत अच्छा जिस तरह से आपने बताया, ये भी एक आइडिया हो सकता है आप लोगों के लिए कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के नीचे है, जब उसके ऊपर वापस जाने लगे तब आप बाय कर लो, क्योंकि वी नेवर नो कि यार वो एग्जैक्ट कहां तक जाएगा। अब वो एग्जैक्ट पकड़ने के चक्कर में आपको दिखेगा यार मैंने चलो यहीं पे ले लिया, फेयर वैल्यू गैप पर आया, मैंने ले तो लिया, बट उसके बाद प्राइस नीचे गया तो दिल की धड़कने बढ़ जाती है लोगों की, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बट उसके बाद भी आप थोड़ा सा रुक सकते हो। देयर आर मल्टीपल टेक्निकल थिंग्स जो आपको समझ आ रही होंगी। आपको समझ आ रहा था कि वहां पे एक सपोर्ट जोन भी है, ऐसा नहीं आपको नहीं समझ आ रहा था, और वो सपोर्ट ही डिमांड जोन भी था आपका, बट क्योंकि आप एक नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आपसे उसे ही फॉलो करोगे तो कम पैसा भी बन जाए बट ज्यादा जाए ना। बट यहाँ पर एक चीज है कि फिर लोग कहेंगे कि इसमें SL क्या रखेंगे, SL कहीं ना कहीं आपका नीचे की तरफ ही रहता है, डेफिनेटली। तो वो SL बड़ा हो सकता है बट एक कॉन्फर्मेशन बढ़ सकती है, सो वो आपको देखना है कि व्हाट यू वांट टू चूज। तो लोगों के लिए है यहां पर कि अगर वो समझे कि चलो इसके ऊपर लेंगे, SL नीचे रहेगा। अब देखो SL यहां पे बड़ा हो रहा है, यहां पर SL छोटा हो रहा है, बट ये टच एंड जो गो वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि वो डिमांड जोन फेयर वैल्यू गैप के नीचे आया। डिमांड जोन पर देखिए ये कैंडल ना यहां ओपन हुई थी नीचे और ये उस वक्त गिर रही होगी, और एक घंटे का चार्ट है और ये गिर रही होगी तो लोगों को डर लग रहा होगा ये तो टूट जाएगा, और यहां पर एकदम से जो इसने विक बनाई है प्राइस सीधा शूट अप हुआ है, ओपन यहां हुआ, लो यहां पर मारा है और फिर क्लोज ऊपर हुआ और हाई और ऊपर है। तो दिस इज द थिंग कि टच एंड गो वाली चीज आ जाती है। अब आपको समझना जरूरी है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका पर्सनैलिटी क्या अलाउ करता है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए सर, एक और एग्जांपल देते हैं लोगों को। हम लोग, मैं निफ्टी पे यहाँ पे दिखाता हूँ और हम टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 आवर ही रखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। अब जैसा कि हमने सबसे पहले सीखा कि हमें हाई कैनाशी लगानी है यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो चलिए अभी हम यहाँ पे एक मार्क करने की कोशिश करते हैं डिमांड जोन। सो मैं जल्दी जल्दी मार्क करता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक लो बना था, उसके बाद यहाँ पे एक लो बना, देन यहाँ पे आपके लिए एक लो बना, फिर इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर लो बना। आप देख सकते हो बिल्कुल पिन पॉइंट मार्किंग हो रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमारे लिए ये एक हाई लगा। अब इसके बाद आप देख सकते हो इस वाले लो को इसने तोड़ दिया। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर करने की कोशिश की इसने, बट इसने जाके एक नया हाई लगा दिया ऊपर की तरफ।
जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है ना, जो लास्ट रेड कैंडल है यहाँ पे, वो हमारे लिए एक्ट करेगी एज डिमांड जोन की तरह। सो अब मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लूँगा एज अपना डिमांड जोन। सो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया, अब बस यही हमारा ट्रेडिंग पार्ट है, हम यहीं पे आएगा तो अब हम इसको ट्रेड करेंगे। और जैसा कि आप ऊपर से देख रहे हो, प्राइस नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे इसने आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिख रहे होंगे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए। सो ऐसी जगह ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। और इसके बाद प्राइस ने अपना टारगेट भी दिया यहाँ पे, आपको प्राइस अपने टारगेट तक भी गया यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे SL हमारा कितना सा था, छोटा सा SL है, और टारगेट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:3 के आसपास अगेन हमें मिला है। तो यहाँ पर एक बार फेयर वैल्यू गैप भी दिखा देते हैं, अगर उन तीन कैंडल्स के हिसाब से देखेंगे तो समझ आ जाएगा लोगों को। चलिए सो यहाँ पे एक बार हम कैंडलस्टिक्स पार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप्स देख लेते हैं। ओके सो यहाँ पे हम एक फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं। ये है हमारी कैंडल नंबर 1, यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है कैंडल नंबर 1 को। और आप यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल नंबर 2 है रेड है मैं मानता हूँ, बट वो अभी इस कैंडल 1 के बीच में ही है, एक इनसाइड बार की तरह, तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारी कैंडल नंबर 2 और ये है कैंडल नंबर 3, तो मैंने यहाँ पे कैंडल नंबर 3 का लो मार्क किया है। सो इसके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है वो आपका फेयर वैल्यू गैप है। अब डिमांड जोन हमारा इसके नीचे ही बना हुआ है यहाँ पे एक तरह से। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी तेज यहाँ से प्राइस शूट अप किए, और ये अभी निफ्टी में हाल फिलहाल की बात है, अगर मैं बात करूँ ये 29 फेब की बात है। सो अभी का ये ट्रेड है हमारा। ओके सो जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया था कि आपको मार्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और एक इंडिकेटर ही आपका सारा काम कर देगा, तो चलिए अभी हम इंडिकेटर को देखते हैं यहाँ पे और देखते हैं वो हमें कहाँ पे आपके गैप्स मार्क करके देता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इन लाइन्स को भी हटा देता हूँ। सो हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो हमें यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पूरा लिखना पड़ेगा। सो जब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिखूंगा, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लक्स एल्गो। सो आपको सिर्फ यही वाला इंडिकेटर यूज करना है यहाँ पे, लक्स एल्गो। आपको प्रमोशन नहीं है, बस ऐसे बता रहे हैं आपको। करेक्ट, इसके ऊपर आपको एक बार टैप करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास गैप्स बने हुए आ गए, और ये रीसेंट गैप्स आपके पास बने हुए आ जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है। चौच का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे BOS का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये आपको डिमांड जोन बना के दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये डिमांड जोन आया है। एक बार अभी आपको फेयर वैल्यू गैप के लिए दूसरा इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। तो डिमांड जोन अलग से आपको दिख गया है, हाईलाइट हो गया है, और आपको इसका वेट करना है कि प्राइस अगर दोबारा यहाँ पर आएगा तो प्राइस शूट अप करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट आप फेयर वैल्यू गैप के लिए एक इंडिकेटर लगा देते हैं। चलिए सो यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है फेयर वैल्यू गैप। राइट, सो यहाँ पे आप फेयर वैल्यू गैप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पेस मैन BTC करके आएगा, आपको इसका इंडिकेटर लगाना है। यहाँ पे आप इसको लगाएंगे तो ये आपके मार्क हो गए हैं रेड कलर में। राइट, तो ये फेयर वैल्यू गैप है, बट बेसिकली डिमांड जोन आपकी यहाँ पर है। अब डिमांड जोन के नीचे भी फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर प्राइस दोबारा से फेयर वैल्यू गैप पर आ गया तो ये आपकी जो ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है सेक्शन ही हट जाएगा, मतलब फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है। अभी नहीं हुआ है फिल, इसलिए वो ओपन पड़ा हुआ है। अब ओपन पड़ा हुआ तो एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। प्राइस आएगा नीचे एंड वो ऊपर जा सकता है, बट वो कहां तक नीचे कर सकता है, डिमांड जोन इज द मेन थिंग। तो डिमांड जोन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जगह है जो आपको समझ आ रही होगी, और फेयर वैल्यू गैप्स जो आपके लिए प्लॉट हो गए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहां पर आपको BOS क्या होता है, CHO CH क्या होता है, ये सब हमने आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल्स है। एक्चुअल में क्या काम करता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, क्या SMC काम करता है, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में इंडियन ऑडियंस के लिए समझाने की हमने कोशिश करी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया, फ्री में वीडियो अवेलेबल है, आप कई बार इंटरनेट पे देख सकते हो, सुन सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं दोबारा से और थोड़ा एडवांस लेवल पर भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो आप कॉमेंट कीजिएगा। ये एक बिगनर गाइड थी, अगर एडवांस वीडियोज चाहिए तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, यस वी वॉन्ट एडवांस वीडियोज। हम ट्राई करेंगे अगर डिमांड आएगी तभी, क्योंकि मेरे चैनल पे ज्यादातर मैंने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा चलते हैं, तो इसीलिए हम बेसिक वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। फाइनली, आप इंडिया के कौन सी सिटी से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने आपके लिए कुछ फ्री चैनल लॉन्च करे हैं जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं, तो उन चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, तो आपको उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन एंड प्रिंट कमेंट में मिल जाएंगे।
यू कैन ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट, यू कैन रेफर अ नन, एंड इसी तरीके से आप हमारे से जुड़े रहिए. सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. शेयर दिस वीडियो. गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद.